अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियों के बीच अब मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान ने भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने की मांग की है। एक विवाद सुलझा तो अब भी जारी, अयोध्या के बाद मथुरा की बारी। अयोध्या झांकी है क्या, काशी मथुरा बाकी है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। इस बार मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान के नाम से दीवानी का केस दर्ज हुआ है। मथुरा की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है। इसके साथ ही मंदिर के बगल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग भी की गई। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए हमने न्यायालय में अपना ये सूट फाइल किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मभूमि का ही महात्म्य है, और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है, उसको हटाया जाए और जो मूल जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का, वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिया जाए, जिससे कि भगवान का स्थान भगवान को मिल सके। पेश किए गए दावे में कहा गया कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन को लेकर समझौता हुआ था। इसमें तय हुआ था कि मस्जिद जितनी जमीन में बनी है बनी रहेगी। दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम पर है। ऐसे में सेवा संघ द्वारा किया गया समझौता गलत है और मस्जिद को हटाया जाए। आरोप है कि मुसलमानों की मदद से शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण से संबंधित जन्मभूमि पर कब्जा किया और भगवान के स्थान पर एक ढांचा बना दिया गया। दावा है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के ठीक नीचे है। इस बार 20 जुलाई 1973 के उस फैसले को रद्द करने की भी मांग की गई, जिसमें फैसला दोनों पक्षों के समझौते के आधार पर हुआ था। उधर मौलाना मकसूद अली का कहना है कि याचिका का मकसद एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, इसके पीछे सियासी लोग हैं। सियासी मुद्दा बनाना चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको सियासी मुद्दा न बनने दें, क्योंकि हमने 1992 के हालात देखे हैं, उसके बाद के हालात देखे हैं, उसके पहले के हालात देखे हैं। बीजेपी नेता विनय कटियार का कहना है कि अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन करना पड़ा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। अब अदालत से लड़ा जाए, पहले आंदोलन चालू किया जाए, जो भी जरूरत होगी वो करेंगे। जिन्होंने दाखिल किया अच्छा काम किया है, ये ठीक काम किया है, होना चाहिए, लेकिन कितने दिन तक वो चला पाएंगी ये कहा नहीं जा सकता। तो सवाल यही, क्या ये याचिका विश्व हिंदू परिषद के इशारे पर डाली गई है? क्या मथुरा काशी बाकी है का नारा फिर से गूंजने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।